गाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आय रियाणम नमो आय रियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावप्पणासनो सव पावप्पणासनो मंगलानं च सव्वे सिं मंगलानं च सव्वे सिं परमं हवै मंगलम पड़वाम हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। सभी का हिंदी सत्संग में स्वागत है। कश्यप जी कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, दो पोस्टर भेजा मैंने आपको। सूरज जी बाद में आप आए। ओके उसमें लिखा है हवे तमारे आपूरु थयु क्यारे कनाचे जारे तमने जोईने सामाने समाधि थाए तमने जोईने सामो दुख भूले त्यारे पूरु थयु कनाए तमारू हास्य एवो दिखाए तमारू आनंद एवो दिखाए के आबादा ने हास्य उभू थाए त्यारे जानू के आदुख पोतानू बदु गयु। दादा भगवान क्या बताना चाहते हैं कि जब आपको देखकर सामने वाले को समाधि भीतर समाधि खड़ी होती है समाधि रहती है आपको देखकर सामने वाली व्यक्ति अपना दुख भूल जाती है तब समझना कि भी आपका काम पूरा हो गया। तो अभी तो वो जो है मतलब अभी तो ऐसे नहीं होता है उनको जो है हमारे से दुख भी होता है। हाँ बात सही है। इसलिए ये क्या अल्टीमेट दिखा दिया कि अल्टीमेट क्या हो सकता है। तो जब आप आपकी पूर्ण दशा प्रकट हुई है खुली हुई है तो दूसरी तरह से बता दे वितराग मार्ग में साधु कैसे होते हैं। देखिए जिनका कसा है क्रोध मान माया लोभ संयमित होते हैं। संयमित होते मीन्स क्या? देखिए दूसरों के लिए दुखदायी नहीं होते हैं। खुद की बात नहीं की दूसरों के लिए दुखदायी नहीं खुद को परेशान करते हो चलता है पर दूसरों को हरकत करता है या दुखदायी नहीं होते है। देखिए अभी ये जो स्थिति बताई कि सामने वाला अपना दुख भूल जाएगा ऐसा कब हो सकता है कि जब आप खुद आपके आत्मस्वरूप में आपकी वर्तना है तभी देव सामने वाला भी जो है उसको वो भी जो है हास्य उसको आ जाएगा ऐसा। अरे मिस आपका देव भाव नहीं रहा है आप देव भाव में नहीं रहते हैं वो तो मालिकी भाव चला गया मनोवचन का गया तभी ये दशा प्रकट होती है ना। तभी आपका हास्य कैसा दिखेगा कि सामने वाले को आपको देख के ही आनंद हो जाएगा सामने वाले सभी को हास्य प्रकट हो जाएगा सामने वाले को भी जो है वो अंदर आनंद और हास्य आ जाएगा। भीतर आत्मा प्रकट हो गया है तो सामने वाले उसकी उसकी असर तो आती है ना उसको भी असर होगी। जैसे हिमालय के पास में जाएंगे आप दिल्ली में है बराबर दिल्ली में तो गर्मी के सीजन में ठंड लगती है ना। नहीं गर्मी के सीजन में गर्मी होती है। हिमालय के पास में तो ठंड लगनी चाहिए ना। हाँ नहीं इतना नहीं होता है वहाँ। अच्छा गर्मी के सीजन में ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है।
पर जैसा जैसा हिमालय के पास में जाएंगे तो आपको ठंड महसूस हो जाएगी कि ठंड महसूस करनी पड़ेगी? हो जाएगी। गर्मी की सीजन है तो भी ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ। यहाँ ये बात बताना चाहते कि भीतर आपकी दशा प्रकट हो गई है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? सामने वाले को भी आपको देखकर भीतर समाधि हो जाएगी, तो उसका मन शांत हो जाएगा, बुद्धि उथल पुथल करना बंद कर देगी। अभी तो आदत पड़ी है कि दूसरों को बोलते हैं ऐसा करो ऐसा करो, मतलब वो मतलब दादाजी कहना चाहते हैं कि वो सरलता से जो है मतलब दूसरे को जो है हमारे से जो है मतलब उनको आनंद आ जाएगा जो है। अरे यह बात समझने की यही है कि दादा भगवान क्या बताना चाहते हैं कि भाई ये मेरी जो दशा प्रकट हुई है वो कैसे प्रकट हुई है, उनका फोकस सारा अपनी गलतियों के ऊपर था। ऋषभ देव भगवान के टाइम से पहले उनकी सब प्रोसेस चालू हो गई। ऋषभ देव भगवान को जब मिले अभी वो प्योरिटी थी, उसके आधार पर उनको बोल सके कि भाई हमको नंगा होकर मोक्ष नहीं चाहिए, हमको भी ये भरत चक्रवर्ती को दिया है ऐसा संसार में रह के मोक्ष चाहिए, हमको साधु बन के मोक्ष नहीं चाहिए, वो हिम्मत कैसे जुटा पाए? हिम्मत जुटाने की जरूरत नहीं थी उनको, प्योरिटी के आधार पर वो ऐसा बोल सकते हैं। बात ख्याल में आ रही है? तो लेकिन अभी हमारे को जो है मतलब अभी हमारे को जो है उससे क्या करना चाहिए कि ये थोड़ा सा मतलब हमारे लिए क्या है तो कि हमारा सारा फोकस फाइल नंबर एक पर होना चाहिए। मेरा मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ज्ञान जागृति का फोकस किधर था? मीनस के मन वचन का है उसके अंतस्करण पे, मतलब जो अभी बाहर पे अभी जो फोकस है वो हटा के अंदर अपना फाइल नंबर वन पे आना। ऐसा दरअसल रूप से दादा भगवान ने फोकस 180 डिग्री टर्न करके फाइल नंबर एक पे कर ही दिया है, लेकिन क्या कि हम तो परोपकारी है ना, अभी भी करते हैं ना वो जो है कि दूसरे को बोलते हैं कि ऐसा या सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो दूसरे को आनंद आएगा या नहीं आएगा, ऐसे सोचते हैं। ले या बात क्या समझने की है कि आप खुद आपके भीतर आनंद है तो आप दूसरों को क्या देंगे? आनंद देंगे। आप मैं भूखा हूं आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको क्या दूंगा, खाना दूंगा? नहीं। ये बात समझने की है तो कि आप पहले खुद की दशा प्रकट करने की है, कैसे है तो कि फाइल नंबर एक पर सारा फोकस रख के उसकी सारी गलतियां वॉश आउट कर दी प्रतिक्रमण करके, तो वो दशा अपने आप खुली हो जाएगी प्रकट हो जाएगी। आज तक ये समझ नहीं थी, इससे सारा फोकस दूसरों के ऊपर रखा था, दूसरों पे लाइट की जरूरत है, दूसरों को लाइट मेरे काम में आ रही है तो अच्छा है ना, वो लाइट फोकस दूसरों पर करने से क्या होता है, दूसरों की गलतियां दिखाई देती है, दूसरों की गलती। तभी दादा भगवान ने क्या कि वो फोकस पूरा 180 डिग्री टर्न कर दिया, फाइल नंबर एक कर दिया वहां। अभी दोबारा परोपकारी होकर फिर फोकस टर्न मत कर देना, समझ तो मेरा जो भी होगा वो चलेगा लेकिन सामने वाले का कल्याण होता है तो मेरे पर फोकस नहीं रहेगा चलेगा, ऐसा मत सोचना। एक और इससे जो है मतलब एक चीज पूछना मैंने पूछा था ये और कंफर्म कर रहा हूँ, तो ये जो है जब दूसरे को आनंद नहीं होता है तो फिर हमारे में जो दोष है उसको आनंद नहीं होता है, या जो है मतलब कभी उसको 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 जो है दुख भी लगता है, यहाँ तक कभी जो है वो मतलब तो हम जो है हमको हमारी गलती है ना उसमें जो है कि हमारी गलती। बात से दादा भगवान ने क्या बताया कि आप हमें मिले और फिर भी आपके दुख नहीं जाते, आपको आनंद नहीं होता है, तो आप मुझे मिले ही नहीं है, ज्ञानी को मिले ही नहीं यार, हमारी गलती है। सही समझ गए। एक और पूछ सकता हूँ जी? जी बोलिए। नेक्स्ट वाला जो है वो बुद्धि नो दखो चरित्र ने तोड़ी नाखे, तोड़ नाखो। एक मिनट। बुद्धि का डखा है, बुद्धि की जो डखल है वो चारित्र को तोड़ देती है। हाँ, चारित्र की जो कमाई है सील जो प्रकट हुआ है, हाँ,
वह बुद्धि का डखा है, मीन्स बुद्धि का आदर्श हम चलते रहते हैं। वो तो चारित्र की कमाई की हमने, वो सारी हम गवा देते हैं। बुद्धि का डखा मतलब कि उसमें वो प्रॉफिट लॉस दिखाती है ना, प्रॉफिट लॉस दिखाती है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट लॉस किसका दिखाती है? संसार का, संसार का, मोक्ष मार्ग का नहीं दिखाती है। हाँ बराबर है। ठीक है, अभी यहाँ हमारा थर्मोमीटर क्या होना चाहिए कि बुद्धि जो भी दिखा रही है वो दूसरों को हरकत करता है मेरे निमित्त से। मुझे ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हितकारी है, फायदाकारक है कि नुकसानकारक है, वो थर्मोमीटर तो होना चाहिए ना। आज तक ये समझ नहीं थी, इसलिए हम बुद्धि का सुनकर चलते रहे। तो बुद्धि का सुनकर चलते रहे अनंत अवतार से, इसके कारण कितना मार खाया। आज तक मार खाते रहे, लेकिन अभी भीतर तय हो जाना चाहिए, निश्चय हो जाना चाहिए कि अभी दोबारा मुझे बुद्धि का सुनकर मार खानी नहीं है। तो ये जो है चरित्र थोड़ी ना के थोड़ा सा एक एग्जांपल दे सकते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो। मान लो कि कोई साधु है, बराबर है। हाँ जी, साधु तो ब्रह्मचारी होता है। हाँ, अभी उसको पैसे की भी जरूरत नहीं होती है। हाँ जी, कोई कोई पैसे वाला आ गया तो अपना काम निकालने के लिए साधु को पैसा देंगे? पैसा वाला आ गया तो, पैसे वाला कोई भी आ गया तो वो साधु को पैसा कब देगा? उससे कुछ काम निकलवाना तभी देगा ना। हाँ, बराबर है। हाँ, लेकिन अभी वो भले आदमी आपको पैसा देने के लिए आया है, मुझे पैसे की जरूरत है कि नहीं, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे क्या फायदा होगा, ये नहीं दिखता तो क्या होगा, उसके ट्रैप में फंस जाएंगे कि नहीं फंस जाएंगे? उसके वो ट्रैप में फंस जाएंगे ना बुद्धि के। बुद्धि ने देखा कि ये सारा व्यवहार चलाने का है, भाई मुझे अपना आश्रम बनाना है, मंदिर बनाने का है, ये करना है, हॉस्पिटल करनी है, स्कूल करनी है, ये करना है, वो करना है। तो क्या होता है कि वो पैसे की ट्रैप में आप आ गए, मीन्स बुद्धि की ट्रैप में आ गए। पैसे की ट्रैप तो बाद में आती है, पहले तो बुद्धि की ट्रैप आ गई। तो बुद्धि हमें फंसा रही है और हमें हमारे मोक्ष मार्ग से दूर खींच के ले जा रही है। वो ख्याल में नहीं आता। यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ हमारा चारित्र टूट रहा है ना, जो चारित्र की कमाई है यहाँ तक जो भी समझ थी उसका आधार पर हम आगे बढ़े। अच्छा, मतलब कि वहां पर हम बुद्धि का वो के हिसाब से चले, संसार में फंसे तो फिर राग द्वेष में आ जाते हैं और चारित्र टूट जाता है। राग द्वेष से लेकर सब होगा ना, क्रोध पायल सब रोग बैठेगा, सब खड़ा हो जाएगा उससे, तो रोग और भी बढ़ जाएगा। हाँ, रोग बढ़ जाएगा। तो रोग बढ़ गया तो ये चारित्र टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। वो कमाई के वो सारी फ्रैक्चर हो जाएंगे, वो सारी गवा देंगे ना। हाँ, वो हम गलत काम अंदर से गलत करेंगे, बाहर से भी हो सकता है गलत। व्यवहार में भी नहीं सुनते भी ये बहुत बहुत बड़े साधु है, इतने लोग आते हैं, ये करते वो करते है, तो फिर विषय की भीख भीतर खड़ी हो गई। हाँ, तो सारी जो सारा मान पान जो भी खड़ा हुआ है वो कब पानी में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए, उसका पता चलता है? नहीं, समझ सारे एग्जांपल है ना, पिछले दो चार पांच साल में कितने सारे केसेस आए। ऐसे उधर चारित्र की जो कीमत है वो हमें चारित्र की कीमत समझ में नहीं आई है, समझ में नहीं है। तो ये जो कमाई है वो कमाई हम ये विनाशी सुख के लिए हम गवा देते हैं, विनाशी के लिए। तो विनाशी काम रहने वाला है? नहीं रहने वाला। जो सुख गवाने के लिए, जो सुख पाने के लिए सारा हमारा चारित्र का जो कमाई है वो गवा देते हैं, वो सुख ही काम का नहीं है, वो टेम्पररी है। तो कोई फायदा क्या होगा उससे? कोई फायदा नहीं। अभी ये बात समझ में आएगी तभी तो बुद्धि दिखाएगी, ये तो बहुत अच्छा है, ये कितना अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, वो अच्छा है, पैसा दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कितने सारी अंदर चालू हो जाएगी डिजाइन। उसको बताना, ये टेम्पररी, उसको बताना चाहिए बुद्धि को ये टेम्पररी है, तो फिर वो शांत हो जाएगी। उधर उसको हर एंगल से बताना पड़ेगा कि आपके पास से ज्ञान की समझ है, इसके लिए आप आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं।
ये बाहर वाले लोगों के लिए इतना आसान नहीं है टैकल करना, तो उनको तो ऐसा ही लगता है पैसा है तो सब कुछ है। तो गुजराती में कहा होते नाना वगर नो नाथियो, पैसे नहीं है तो उसको नाथिया करके बुलाएंगे। अच्छा, मतलब तुझकार से बुलाएंगे। नाथिया क्या होता है? नाथू भाई नाम है उसका, नाथालाल नाम है। हाँ। तो पूरा ना पूरा नाम बोलेंगे नहीं, ये नाथिया इधर आए, इधर ये नाथू इधर आए, सब बोलेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। पैसे वालों का तो आओ नाथालाल सेठ, आओ नाथालाल सेठ, ऐसा करेंगे। यहाँ व्यवहार में हमें ये बात समझने की हम हमारी चारित्र की कमाई है, हमें हमारी हमने गवाही नहीं है तब तक हमारा मान रहेगा व्यवहार में। और वो कमाई गवा दी तो सारा धूल पानी हो जाएगा। धन्यवाद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके शिल्पा बहन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दीपक भाई। मुझे दूसरी कलम जो है, दादा भगवान मुझे कोई पण धर्म नु किंचित महत्वपूर्ण प्रमाण न दुबाए, तो आज तक मैं धर्म मतलब ये सोचती थी कि जो मंदिर में जाते हैं या कोई जैन धर्म मानते हैं, कोई वैष्णव है, वो समझती थी। पर जब से निमेशानंद जी का सत्संग सुना कि कान का धर्म, नाक का धर्म, आँख का धर्म, सबका अलग अलग धर्म है, उसमें डको डकल नहीं करना है, पर उसमें कैसे डको डकल होता है वो मुझे समझ में नहीं आया, आप कृपा करके समझाइए। देखिए, इंद्रिया अपने धर्म में है कि नहीं है? है, बराबर है। अभी इंद्रिया अपने धर्म है, वहां वो इंद्रिया का हम मिस यूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, सही प्रयोग नहीं करते हैं। देखो, वो इमोशनल पने इमोशनल पना खड़ा हुआ तभी हम ऐसा करते हैं ना। गलत कैसे यूज करते हैं वो मैं नहीं समझी। आग से सारा संसार दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। हाँ बराबर है, हाँ बराबर है। लड़की भी दिखेगी? हाँ। लड़की दिखते है, लड़की के रूप में देखते फिर पहले लड़की के रूप में देखते हैं, फिर याद करते हैं। भीतर सारी मशीनरी खड़ी हो जाती है। हाँ। लड़की के रूप में दिखने का प्रॉब्लम नहीं है, तो भीतर फिर सारी मशीनरी पीछे काम करती है, भी ऐसी है वैसी है, ये है वो है, ऐसी रूप वाली है ये वो है। हाँ। वो एक्स्ट्रा आइटम उधर चालू हो गई। हाँ। तो क्या हुआ, वो धर्म चुक गया। अच्छा, दूसरी तरह से बात समझो, ये चर्म चक्षु है। हाँ। चर्म चक्षु जो बाहर हो रहा है वो दिखाएंगे क्या, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। हाँ। मान लो कि मैंने आपका इंसल्ट कर दिया। हाँ। नहीं, करने वाला नहीं हूँ, तो खाली है। हाँ। घबराना मत। देखिए, मान लो कि मैंने आपका इंसल्ट कर दिया तो आपको क्या दिखाई देगा? इंसल्ट किया करके बराबर, पर समझना चाहिए हिसाब है। अभी अभी इंसल्ट किया ऐसा लगता है तो हम क्या करते हैं कि जो रिलेटिव है, जो टेम्पररी है, तो हम सही मान लेते हैं। हाँ। ऐसा बोलती है कि मैं जो दिखा दी उसको सही मान के चलो? नहीं। कान ऐसा बोलता है कि आपने जो सुना वही उसको सही मान के चलो? नहीं। जीभ ऐसा बोलती है कि आपको जो टेस्ट है वो कान के लिए रखो? नहीं। एक भी इंद्रिया ऐसा बोल रही है कि भाई आप जो अनुभव कर रहे हो वो काम के लिए रखो? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें शिल्पा बन के उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो डको डकल है। शिल्पा जी बन के अकेला नहीं, वो जो सारा खड़ा होता है, दिखाता है या सुनते हैं, उसके साथ हम बैठ जाते हैं। अच्छा, ये सही है ये गलत है। हाँ, मतलब उसमें व्यू पॉइंट नहीं होना चाहिए। दादा भगवान के वितरक की स्थिति कैसी थी, वो सारे संयोगों को संयोगों के रूप में देखते थे। अच्छा,
और हम क्या करते हैं, सबको लेबल लगाते हैं, अच्छा है ये खराब है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, हमें शोभा देता है हमें शोभा नहीं देता है। हाँ सही बात है। देखो अभी ये जो भीतर में द्वंद्व चल रहा है, हाँ खड़ा कर रहा था, उधर बुद्धि द्वंद्व खड़ा कर रही है। हाँ तो कोई इंद्रिया नहीं बोलती है कि ये ऐसा है वैसा है, अहंकार ही बोलता है। नहीं अहंकार नहीं बोलता है, बुद्धि बोल रही है, बुद्धि बोल रही है। हाँ पर बुद्धि के लिए भी अहंकार तो चाहिए ना कि मैं शिल्पा हूँ। अहंकार तो डिस्चार्ज अहंकार तो रहेगा ना, वो तो थोड़ा चला गया है। हाँ, लेकिन यह बात समझने की क्या है कि बुद्धि के ट्रैप में हम आ जाते, इमोशनल पना वो खड़ा करती है, तो अगर आप उधर अलग है तो आपको दिखाई देगा कि बुद्धि ये ट्रैप में लेने का मुझे प्रयत्न करती है, शिल्पा बहन मीनस जागृत हो जाओ, ये ट्रैप में फंसो मत, अच्छा आपकी बाउंड्री में रहो, अच्छा बाउंड्री क्रॉस मत करो, लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो। हाँ यार समझने का क्या है कि तो इमोशनल करने वाली है आपको, वो करने का 100% ट्राई करेगी, कि उसको तो आपको जैसे वैसे करके दोबारा संसार की ओर खींच के ले जाना है। पर अगर हम रियल में रहने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं ये सब रिलेटिव में हो रहा है तो वो राइट है ना, रिलेटिव में हो रहा है ऐसा ध्यान में रहता था, अच्छा ना, तो ये सीता जी के भाग में हो रहा है, मेरे भाग में नहीं, मेरे भाग में नहीं। मैं तो यहाँ तक बोलोगे हो जाने के बाद भी लास्ट में भी आप बोलेंगे ये जो कुछ हुआ वो मेरे भाग में नहीं। हाँ शिल्पा जी के भाग में हुआ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ये जो सारा वो उसके साथ सहमत सहमत नहीं हूँ। हाँ अग्री नहीं हूँ। हाँ राइट ऐसा हो गया तो आप मुक्त रहेंगे, नहीं तो फिर नहीं तो क्या हुआ कि आपने ट्रेस पासिंग किया। हाँ जी जो आपका काम नहीं है जो आपका फील्ड नहीं है वो फील्ड में आपने आग डाला। हाँ तो किसी के भी प्लॉट में आप चले जाएंगे तो ट्रेस पासिंग का गुना लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा लगेगा। यहाँ ये जागृति रहनी चाहिए साथ में, यहाँ इंद्रिया अपने स्वभाव में और हमें हमारे स्वभाव में रहने का है। हाँ। मैं शुद्धात्म में जागृति रही तो हम हमारे स्वभाव में इंद्रिया इंद्रियों का काम करेंगे, और तभी क्या होगा कि आंख से देखेंगे उसको सही मानेंगे नहीं, कान से सुनते उसको सही मानेंगे नहीं। हाँ। दादा भगवान का एग्जाम्पल लो, दादा भगवान एग्जाम्पल नहीं दिया कि मेरे जेब से पैसे निकालते हुए मैं किसी व्यक्ति को देखूंगा फिर भी उसके लिए मैं अभिप्राय नहीं रखूंगा कि ये चोर है। बराबर है, बराबर है। मैं पैसे लेते हुए देखा है हाँ। दूसरों की आंखों से नहीं, दूसरे किसी ने बताया नहीं है, खुद देखा, फिर भी हाँ देखा है, फिर भी वो अभिप्राय नहीं रखते है। मतलब ये आंखों के धर्म को मैं इंटरफेयर नहीं किया, अरे वो उसके साथ बैठ नहीं गए, बैठ नहीं गए। हाँ ये चोर है इसने पैसा लिया है। हाँ हाँ बात समझ रही है, हाँ समझ में आ रही। हाँ फिर साथ में बैलेंस भी किया कि भाई अभी दूसरी बार क्या करेंगे हम, ठीक है ऐसे पैसे खुले छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ तो साथ में वो हमारे साथ रहता है व्यक्ति हमारी सेवा में, तो उसका हम ख्याल करेंगे भी उसको दोबारा ऐसे हाथ डालने की नौबत नहीं आए, नहीं आवे। हाँ ख्याल करेंगे। हाँ बात ख्याल आ रही है, हाँ आ रही है, ठीक है यार इतना समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। अभी दूसरी तरह से बात समझो, दादाजी के पास सब लोग आके अपनी बात करते थे। हाँ तो सब पॉइजन सब अमृत डालते थे नेक्टर देते थे, नहीं नहीं अपना पॉइजन ही उगल रहे थे ना। हाँ जी लेकिन दादा ने किसी का पॉइजन भीतर रखा नहीं, क्यों नहीं रखा? यहाँ बात ये समझने की दादाजी क्या देखते थे, रिलेटिव व्यू पॉइंट से व्यक्ति है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है, जिसके लिए बोल रहा है वो भी रिलेटिव व्यक्ति है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है,
बोल रहा है वो अपना भरा हुआ माल निकाल रहा है, इससे वो निमित्त शेयर करता है, दोनों का आपस में अकाउंट सेटल हो रहा है, तो उधर हमें चमचा हिलाने की जरूरत है। हाँ। तो चमच हिलाने की हमें तो जरूरत है नहीं उसमें, नहीं कि उसको दाजी कैसा समाधान देते थे कि उसमें से वो गलती में से बाहर निकल जाए, अपना खुद का काम निकाल ले। ठीक है, ये बात उनका व्यवहार देख के हमें ये समझने की, ये सीखने की है। तो क्या होगा कि इंद्रिय अपने धर्म में रहेंगे। हाँ। और हम हमारे धर्म में रहेंगे, तो किसी भी धर्म का लेवल है फॉल्ट होगा नहीं ना, क्योंकि बाहर के रिलेशन अकेले की बात नहीं है। हाँ। मैं मेरी बाउंड्री क्रॉस करता तो भी धर्म देख कर, मैं अपने बाउंड्री क्रॉस कर रहा हूँ तो मेरी जो लिमिट है, मेरी बाउंड्री है। हाँ। बाउंड्री क्रॉस करके मैं दूसरे के क्षेत्र में हाथ डाल रहा हूँ। हाँ, तो जो कमदारी है तो टेस्ट पासिंग हो गया ना, तो सामने वाले के धर्म का लेवल हर्ट हो गया ना। हाँ जी। हाँ, ये व्यवहार दादा के व्यवहार में नहीं दिखता था कभी भी। हाँ। ठीक है, हमें ये सीखने का है कि हमारा व्यवहार भी क्या होना चाहिए इस तरह का। तो स्वच्छंद काम हो जाता है, स्वच्छंद 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 मीन्स क्या होता है, अपनी मति से चलना। मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो समझता हूँ, वही 100% सही है, ऐसा मान के चलना, ऐसा मान के व्यवहार करना। अच्छा, उसको स्वच्छंद कहते हैं। वही मुझे सही लगेगा ना, मेरी अपनी बुद्धि से ही चलते हैं, बात बताते हैं, समझाते हैं, वो भी उसके लिए क्या करते हैं कि हम आंख बंद कर देते, कान बंद कर देते, सुनते नहीं है। हाँ। नहीं है सही क्या, वो देखने का प्रयत्न भी नहीं करते। ठीक है, वो स्वच्छंद है, उधर वो स्वच्छंद है, मेरा ही सही है, मेरी डिजाइन सही है, ऐसा सामने वाले पर थोपने के लिए जाते हैं। हाँ। ठीक है, सामने वाले पर हमारी डिजाइन थोपने जाते हैं, अस्वच्छंद आ गया, वहां हम आगे में नहीं है, भाई का संभव से निकलना नहीं कर रहे। ये जहाँ भाई का संभव से निपटारा करने का निश्चय है, उधर फिर ये सब में हाथ डालेंगे ही नहीं, कि मुझे छूटना है, मुझे निपटारा करना है, तो मुझे मेरी कोई डिजाइन पकड़ के रखना नहीं है। हाँ। बुद्धि का सुन के मुझे नहीं चलने का है, तो मुझे जैसे वैसे करके अभी निपटारा कर देना है के लिए। हाँ। इतना समझ में आ गया तो काम पूरा हो गया, फिर और कुछ करने का रहेगा नहीं। कोशिश तो यही होती रहती है। यार शिल्पा जी क्या देखे, हाँ ये बात समझ के रखने के लिए, समझ में 100% आ जाएगी तो बाकी का व्यवहार अपने आप पीछे फॉलो होगा, चारिंद्रम आएगा। इसलिए यार सत्संग में बात सुन सुन के पक्की कर लेने की है, भीतर बातचीत करके पक्की कर लेने की है, दर्शन के साथ आपको सही लगता है। मेन तो निश्चय ही करना है। हाँ, निश्चय तो मेन है, लेकिन साथ में बात अंतस्कर को स्वीकार होनी चाहिए ना। हाँ, स्वीकार तो सब होता है। इनफैक्ट जब से ये ऑनलाइन सत्संग चालू हुआ है तब से तो जैसे लगता है कि बहुत बड़ी हम लोगों को कोई ये मिल गई है, सौगात मिल गई है। वो तो ये तो आपको नहीं, हम सभी को ये मौका मिला है, सभी आप तो पुत्रों के लिए इतना ही उपकारी है ना। हाँ, सबके लिए। हाँ, एक दूसरे पर हम उपकार कर रहे हैं ना, हो रहा है ना। आप हमारे लिए उपकारी है। हाँ। आप हमें मौका दे रहे हैं और आपको लगता है हम आपको मौका दे रहे हैं, तो क्या करने का कि मौके का लाभ उठा लेने का, काम निकाल लेने का, काम निकाल लेने का। यार काम निकलेगा कब तक, जब हमारी समझ सही हो जाएगी, दादा की जो समझ है, वितरकों की जो समझ है, उसके साथ मिलती जुलती हो जाएगी, अब ये नौ कलम की पूर्ण आहुति हो जाएगी। समझ तो फिर भी, समझ सब जाते हैं, फिर भी इसको यूज करने में
कई बार मिस्टेक होती है, फिर रियलाइज होता है, फिर प्रतिक्रमण होते हैं। वो तो अच्छा है, लेकिन शिल्पा जी क्या है कि यहाँ क्या है कि यहाँ केवल आपको इतना ही ख्याल में रखने का है कि शिल्पा जी की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए, ये सारी समझ जो है विज्ञान की वो मेरे चरित्र मेरे व्यवहार में जल्दी से जल्दी आ जाए तो अच्छा है। ये निश्चय है तो बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। हाँ, बस यही भावना है। तो उसको व्यवहार में लाने का प्रयत्न करने का नहीं है, पर इच्छा तो कर सकते हैं ना, वो भावना तो कर सकते हैं। इच्छा कर सकते हैं आप, निश्चय रख सकते हैं, वो सब तो आवश्यक है, वो तो हाँ। करना ही है, उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आप व्यवहार में लाने का प्रयत्न करने जाएंगे तो आप दोबारा शिल्पा जी होकर सारा व्यवहार करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं समझी। हाँ, दादा ने शुद्धात्मा पद में बैठा, आप इस शिल्पा जी की सीट पे बैठ के सारा व्यवहार बदलने का प्रयत्न करेंगे। हाँ हाँ, तो क्या होगा कि जो कर्म फल है वो कर्म फल को हम चेंज करने का प्रयत्न करें तो कर्म फल को चेंज कर पाएंगे हम नहीं, तो हमारी मेहनत कितनी सफल होगी? नहीं होगी। ये बात समझने की हमें, इसीलिए दादा ने बताया कि सारा समझ करना। हाँ, समझ पक्की होगी तो चारित्र में तो फिर अपने आप आ ही जाएगा, आपको लाना नहीं पड़ेगा। देखो दूसरा छोटा एग्जांपल दे दो, मान लो कोई आपको पॉइजन देता है, बोलता है कि अमृत पी लो, आप पियेंगे? पियेंगे, अमृत बोल के देंगे तो पियेंगे? नहीं नहीं पियेंगे, नाक के पास जैसे मुंह के पास लेके जाएंगे और स्मेल आएगी, अजीब सी स्मेल लगी तो धीरे से आप बोलेंगे अभी खाना खाए, पेट भरा हुआ है, अभी तो जगह नहीं है, बाद में मैं पी लूंगी। हाँ, आप छोड़ के जाओ, मैं पी लूंगी बाद में। हाँ, इसी कला का प्रयोग करेंगे हम। हाँ, तो क्या वो सामने लोग को क्या कहाँ देखने का है, तो उसको पता चल रहा है कि ये हमारे कुंडल से बाहर निकल गए। वैसे यार ये जो बुद्धि है तो बुद्धि हमें अमृत है करके आज तक हमें पॉइजन पिलाती रही। हाँ, हाँ। दूसरों के दोस्त दिखाती रही। हाँ। वो अपना काम करती थी, वो अपने धर्म में थी, लेकिन हम हमारा धर्म चुक गए थे। हाँ। तो उसकी बात सही मान के चल रहे थे, वो जो दिखाती थी वही सही लगता था, बुद्धि के आंखों से चल रहे थे, बुद्धि के जरिए ही चल रहे थे हम। अभी पता चला था, अभी क्या था, आज से अभी बोल दे रहे आज से जाके तब से सुबह, अभी रात दोबारा नहीं। हाँ, सही बात है, आपकी कोई बात सुनेंगे नहीं हम। हाँ। देखेंगे सही कि आपने ये दिखाया वो दिखाया, वो देखेंगे। हाँ। आपकी बात सुन के हम करेंगे नहीं। हाँ। इतना पक्का हो गया तो काम और निकल जाएगा ना आगे। हाँ जी, हाँ। तो क्या कि उन्हें किसी के भी धर्म का प्रमाण हर्ट नहीं होगा। हाँ जी, हाँ। बुद्धि का आप नहीं सुनते इसका अर्थ यह नहीं होगा उसका धर्म हर्ट होगा। हाँ, आप ख्याल में आ रही है? आती है। हाँ, जी कारण का वो तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, जो रोल प्ले कर रहे हैं उसको पकड़ होता है कभी भी? हमको सिर्फ देखना और जानना है बस। रोल प्ले कर रहे हो तो रोल प्ले करने वाले एक्टर है, एक्टर है। हाँ, लेकिन उसको भीतर में ख्याल होता है कि नहीं होता है कि सही मायने में ये जो मैं रोल कर रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। नहीं हूँ। हाँ, याद में रहता है कि नहीं रहता है? सबको याद रहता है। हाँ, देखिए यहाँ ये बात हमें समझने की, वो अपना रोल कर रहा है, वैसे मुझे मेरा रोल प्ले मेरा रोल करना है। हाँ, ये ख्याल में रहेगा तो किसी भी धर्म का है, किसी भी जीव का किंचित मात्र भी प्रमाण हर्ट नहीं होगा। हाँ, समझे। और दूसरा क्या, सारे नव कलम आपके चरित्र में शुरू हो जाएगा। हाँ, समझे समझे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। करुणा जी,
बोलिए, आवाज कटती है आपकी। आवाज आ रही है? हाँ एक मिनट। हाँ अब आ रही है। अभी आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ कभी कभी क्या होता है, सामने वाला जैसा चाहता है वो हम नहीं करते, तो वो शब्दों से हमारा अपमान करता है, तो क्या करना चाहिए? देखो हमारा निश्चय क्या होना चाहिए कि मुझे ये फाइल है और फाइल का संभव से निपटारा करना है। बराबर। अभी ये आपका निश्चय है कि बाहर व्यवहार उससे विपरीत हो गया, व्यवहार के पक्ष में आप बैठेंगे। पर जब हर्ट होता है तब लगता है, उस वक्त हम कुछ नहीं बोल पाते। जैसे बहुत लोग क्या है, इंस्टेंट अटैक करते हैं, मुझसे वो नहीं होता, बट मैं सोचती हूँ खुद बाद में। मतलब आप बाहर नहीं बोलते लेकिन भीतर तो चलता रहता है। हाँ कि वही बोलना चाहिए था, ऐसा मुझे होता है तो उस वक्त नहीं बोल पाते ऐसा। यहाँ बात यही समझने की है, मुझे बोलना चाहिए और मैं नहीं बोल पाती, हुआ आप करुणा जी हो गए। आप करुणा जी हो कि आपको करुणा जी का रोल प्ले करने का है? रोल प्ले करना है करुणा। शुद्ध आत्मा है। हाँ। रोल जो लेकर आए करुणा जी का, वो रोल प्ले करने का ना, तो रोल प्ले करने वाले को समझ क्या रहती है? कभी ये तो मैं रोल कर रही हूँ लेकिन सही मायने मैं शुद्ध आत्मा हूँ। भीतर वो प्रतीति तो रहती है, लक्ष्य रहता ही है ना। हाँ। वो चुप नहीं जाते हम। नहीं इसीलिए फिर लेट गो हो जाता है, बट उस वक्त तो आता है। लेट गो नहीं करने का, यहाँ समझ के साथ उसका हल निकालने का है। आप लेट गो करते उधर क्या होता है, तो उधर आप स्प्रिंग दबाते रहते हैं और फिर आपको आगे जाके खड़ा हो गया हट है मुझे लेट गो करने का। तो सामने वाले को खुद तो समझना चाहिए, खुद तो सोचना चाहिए। आप ज्ञान की समझ के साथ उसका हल निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत रहेगी नहीं, तो भीतर नेगेटिव भी नहीं होगा। फिर व्यवहार के सामने वाली व्यक्ति आपके साथ जो भी व्यवहार कर रही है, व्यवहार करने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है, उसको फरजियात रूप से व्यवहार आपके साथ करना पड़ता है। जब सामने वाली व्यक्ति फरजियात रूप से व्यवहार कर रही है तो व्यवहार का हमें स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो हमने पहले जो व्यवहार दिया है दूसरों को, वो व्यवहार हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हमें आज वापिस मिल रहा है, वो वापिस लौटा रहा है। तो वो इसी जन्म में या पिछला होता है? जैसे इस जन्म में तो नहीं किया, पिछले होता होगा। ओके। देखिये यहाँ बात क्या समझ रहे कि मैंने जो लोन दी थी उसका भी रीपेमेंट आया है। बैंक में से लोन ली है तो बैंक में आप पैसा चुकाने जाएंगे तो बैंक वाला बोलेगा बैंक बंद हो गई है? नहीं। सही बैंकर होगा तो ऐसा नहीं बोलेगा कि बैंक बंद हो गई, वो बोलेगा चलो पैसे देके जाओ, आपकी रिसीट कल लेके जाना, मतलब पक्की रिसीट कल लेके जाना, रिसीट बना देता हूँ मैं। यहाँ बात समझने की क्या है कि भाई यहाँ हमें जो संयोग सामने आया है उसको टालने का नहीं है, वो संयोग का स्वीकार करने का। स्वीकार किया मिस किया हुआ तो हमने वो हमारे अकाउंट में वो जमा ले ली रकम, जमा ली तो क्या होगा कि उतना हमारा कर्जा बोझा कम होगा। और साथ में क्या होगा कि सामने वाली व्यक्ति आपको दोषी नहीं दिखेगी, तो आपको भीतर आनंद कब रहेगा कि सामने वाली व्यक्ति दोषी दिखेगी तभी, उसके दोष दिखेंगे तभी, या उसका दोष नहीं दिखेगा तभी, निमित्त के रूप में दिखेगी तभी? नहीं, दोष नहीं दिखे तब भी। तभी दोष नहीं दिखेगा तो ही आपको अकलता निमित्त ऐसा रहेगा ना। ये समझ है तो उसके आधार पर वो निमित्त दिखा देगा, अकलता दिखाई देगा और तभी उनके दोष नहीं दिखेंगे।
तो फाउंडेशन में क्या है कि भाई ये गलती उसकी नहीं है, मैंने पीछे गलत बीज बोया था, उसके आधार पर सामने वाली व्यक्ति निमित्त बनी और निमित्त बनकर मुझे मेरे पिछले बारी कर्म से बारी हिसाब से छुड़ा रहा है मुझे। ये समझ आ ही रहेगी प्रकार की दिक्कत आएगी नहीं ना, जो भी व्यवहार आ रहा है उसका स्वीकार हो जाएगा। व्यवहार का स्वीकार हो गया तो भी प्रॉब्लम रहा कि नहीं। और ऐसा मानने की जरूरत नहीं कि सामने वाली व्यक्ति मैं ऐसा करती रहूंगी तो मेरा अब्यूज करेगी, मेरा गैर लाभ उठाएगी। वो मुक्ति हमें ऐसा दिखा के इमोशनल कर सकती है, उसकी बात हम नहीं सुनते है, दिमाग कर लेते, वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। पर ऐसा बार बार होता है कि उनको पता है कि उनका एज है तो वो कुछ भी करेंगे, ये जवाब नहीं देंगे, तो वो भी सही है क्या? आपका आवाज थोड़ा कट गया। हाँ, कि मतलब हम जवाब नहीं देते हैं तो वो बार बार ऐसा करते हैं। ये कैसा है कि हमारी बुद्धि ऐसा दिखा दे के बार बार करते हैं, लेकिन बात तो समझो, बॉल लेकर हम खेलते हैं, हाथ से टपली लगाते रहते हैं, बॉल दोबारा ऊपर आएगी कि नहीं? आएगी। जहां तक टपली मारते रहते हैं वहां तक ऊपर आती रहेगी ना। टपली लगाना बंद कर, हाथ लगाना बंद कर दिया, अपना बैठ जाएगी, कुछ करना पड़ेगा उसको, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठ जाएगी। यह बात ये समझो, आज तक हमने हाथ लगाते रहे थे हम, इन्हें भी सामने वाला ऐसा कर रहा है, उसके आधार पर उसके रिएक्शन आ रहे हैं। हम लोग नेगेटिव वाइब्रेशन जो फेंके थे उसका सामने परिणाम आ रहा है, कि हमें हाजिर रहेगा तो दोबारा हाथ लगाना बंद कर देगा। हाँ, पहले बहुत लगता था, अब जैसे जैसे ना ये करते रहते हैं तो कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। अभी दूसरे तरह से बात समझो, ताली ताली एक हाथ से गिरती है कि दो हाथ से गिरती है? दो हाथ से। ठीक है, हम अभी ये ज्ञान हाजिर रखे भीतर, ये मेरा पिछला हिसाब आया, मुझे जमा कर लेना है, मेरी गलती का ये फल आया है, तो सामने वाले की आप गलती नहीं देखते है तो आपने हाथ सामने दिया ताली गिराने के लिए? आप हाथ नहीं देते सामने ताली गिराने के लिए तो अकेला कैसे ताली गिराएगा, कैसे ताली बजा सकता है? बात ख्याल में आ रही है? हाँ। यह गलती हमारी थी कि हम इतना हाथ सामने दे रहे थे, अभी सामने हाथ देते नहीं है तो ताली गिरा नहीं सकता है, अकेला कैसे गिराएगा? इतना ही समझने का है। और वो उनके प्रति जो वो आ जाता है ना, जैसे ही वो दिखें तो वो इमेज आ जाती है कि अरे ये तो वैसा ही करेंगे, तो उसको कैसे यही शुद्धात्मा बोलने के, ये जो आप दिखा रहे तो आपके भीतर के प्रति अभिप्राय पूर्वग्रह पड़े वो उसके आधार पे आप दिखा रहे हैं। सही मायने में क्या है, सही मायने में रिलेटिव पॉइंट से व्यक्ति है, रियल पॉइंट से शुद्धात्मा है। हम उधर शुद्धात्मा को देखते ही नहीं, हम तो व्यक्ति को देखते है, व्यक्ति देखते इसे अभिप्राय पूर्वाग्रह क्रोध मान मारो बुद्धि सब हमारे पर हावी हो जाती है, उनका हावी होने का मौका हम दे देते हैं। आप अलग रहेंगे ये सबसे तो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। आप ट्राई तो करो एक बार, प्रयोग तो करके देखो। हाँ, वो प्रयोग करने का टाइम आ रहा है अच्छे से, तो इसलिए मैं अच्छे से प्रिपेयर। कुदरत आपको मौका देती रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि आंख बंद कर देते, आंख मोड़ लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, तो मैं कमाई कर लूंगी तो फिर ये सब मेरा संसार खलास हो जाएगा। बराबर। बहुत अच्छा समझ आया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन,
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज का कुछ आया आपको, मैं भेज रही हूँ दीपकानंद जी। हाँ बोलिए, तब तक मैं लाता हूँ स्क्रीन पर। इट इज ऑन अनदर फोन। वाणी में, अपना वाणी में शक्ति कैसा आता है? देखो, वाणी वाणी में शक्ति कब आती है, क्योंकि जब हम वाणी का मिसयूज नहीं करते हैं, अपने खुद के लिए, खुद के फायदे के लिए उसका प्रयोग नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, कपट नहीं करते हैं, वो सब के लिए उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो वाणी वाणी में शक्ति प्रकट होती। ओके, आप एक शब्द बोलेंगे सफल का काम हो जाएगा। हम एक ही शब्द बोलेंगे तो भी सफल का काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अभी यहाँ जो बात बताएंगे वो बात अलग है। नहीं, ये अलग है, आपने उठो। अच्छा, जहाँ एकता हो। नहीं, आप आपका ये प्रश्न पूरा करें फिर। नहीं, या ये बात आपको ख्याल में आ गई? या आ गया, मगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहे हैं तो इफ इट इज आवर ड्यूटी टू करेक्ट और रिपोर्ट कर सकते क्या? नहीं तो प्रॉब्लम हुआ तो प्लेस के लिए। आप व्यवहार में जो जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, लेकर बैठे, वो रोल तो प्ले करना चाहिए। ओके, लेकिन आप रोल प्ले करते हैं तो भीतर में रोल प्ले करने वाले पसंद होती है एक्टर को, कोई होती है ड्रामा की? कुछ नहीं होता। वैसे यहाँ भी आप डॉक्टर भारती जी का रोल प्ले करेंगे तो आपको भीतर असर नहीं होगी। अच्छा, ये चोर है कि इसने ऐसा किया, उसे वैसा किया, वो असर आपको नहीं रहेगी। अच्छा, बात ख्याल में आ रही है? हाँ। आप एडमिनिस्ट्रेटर तो वो रोल प्ले करेंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं, वो तो रोल प्ले करना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, लेकिन आप भीतर अभिप्राय पूर्वक उसके लगते रखेंगे, वो एक्स्ट्रा आइटम हो गए। हाँ, भीतर आप उसके भीतर उसके प्रति अभिप्राय या पूर्वक रखेंगे, ओपिनियन या प्रेजुडाइस रखेंगे। अच्छा, वो, वो रोल में नहीं आता है। अच्छा अच्छा, ओके, बात ख्याल में आ रही है? आ रही है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में है, कोई व्यक्ति काम नहीं करती है, गलत कर रही है, बार बार बताने के बाद तो आपके रोल के हिसाब से आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ता है। तो रिपोर्ट करते उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर जब दोबारा व्यक्ति सामने आती है तभी आपको वो अभिप्राय पूरा कर दोबारा खड़े हो जाते हैं भीतर हाजिर, तो आपको नुकसान होगा। ओपिनियन नहीं फॉर्म करना। ओके, फॉर्म नहीं करना, ऐसा नहीं, आप रोल प्ले करे तो आपको ओपिनियन फॉर्म होगा ही नहीं। रोल प्ले मींस यू आर ड्रामेटिक, यू आर ओके एज इफ यू आर डॉक्टर भारती जी। ओके, एज इफ मैं ऐसा एम शुद्धात्मा, आप भारती जी है, ऐसा रोल प्ले करते भारती जी हो क्या? नहीं। ओके, बात ख्याल में आ गई? हाँ। देखो, भारती जी का रोल प्ले करे तो उधर आपको असर नहीं होगी, भारती जी होके करेंगे, आप खुद कर्ता बन गए, सामने वाले व्यक्ति कर्ता के रूप में दिखेंगे। और रोल प्ले करे तो भीतर जागृति रहेगी कि नहीं, तो सामने वाली व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध आत्मा है, पिछला कर्म का हिसाब उसके पास ऐसा व्यवहार करवा रहा है, वो खुद करने वाला नहीं है। देखो, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, महसूस होती है गलती अपनी, इतना ही हमें करने का है। उसको बात ख्याल में आ गई तो दोबारा वो गलती करेगा भी नहीं ना। हाँ, करेक्ट। ये व्यवहार में मौका देने का, ऐसा नहीं कि हाँ। कर देने का। हाँ। ओके। नेक्स्ट वो दोनों है, आज का कुछ आया था कोट्स। ओके,
जहाँ ऐके तो आते कानून कानून वाली मंडली में भगवान नहीं रहते और बगैर कानून वाली रहते हैं। या बताना चाहते हैं कि कायदा कानून है वो क्या देखो व्यवहार में उसकी जरूरत है। आप एडमिशन का बात करते हैं तो उधर कायदे के हिसाब से जो भी व्यवहार के कायदे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा वो गलत नहीं है देखिए वो व्यवहार है ना। तो व्यवहार के भाग में भगवान होते हैं। व्यवहार के भाग में भगवान होते हैं। भगवान नहीं होते ना व्यवहार के भाग में। एकदम सही बात है। यहाँ क्या कि जहाँ फायदा कानून है वहाँ क्या वहाँ हम बुद्धि के हिसाब से चल रहे हैं। बुद्धि के हिसाब से चल रहे हैं तो उधर सामने वाले व्यक्ति की गलती दिखाई देगी क्या कौन दिखेगा कौन निमित्त निर्दोष करता ऐसा दिखाई देगा। बात कल में आ रही है ठीक है। आप हिसाब से चलते तो सामने वाली व्यक्ति के प्रति आपका अभिप्राय पूर्वक खड़े हो जाएंगे। आवाज आ रही है कि चली गई। आवाज आ रही। बात ख्याल में आ रही है जहाँ आप बुद्धि के आधार से चल रहे उधर आपको सामने वाली व्यक्ति के प्रति अभिप्राय पूर्वग्रह अभाव तिरस्कार सारी चीजें खड़ी हो जाएगी। अच्छा और उससे आप चलेंगे तो संसार में और भी डूबते जाएंगे। अच्छा देखिए जब आप डूब रहे हैं वहां भगवान हाजिर होते हैं नहीं होते हैं। ओके जहाँ भगवान है वहां कायदा मीन्स व्यवहार के कायदे व्यवहार के तौर पे होते हैं। ओके और निश्चय का कानून क्या है बोलोगे उसकी बोल। निश्चय का कानून तो मैं शुद्धात्मा हूँ। नहीं मैं शुद्धात्मा वो तो बराबर लेकिन कानून देखो तो कौन सा देखो जो भोग रहा है उसी की गलती है। अच्छा कुदरत का कानून क्या है कि जो भोग रहा है उसी की गलती है। हाँ भगवान के पास ऐसे दरअसल में कोई कायदा होता ही नहीं है। हाँ कायदा रिलेटिव पार्ट में होता है। ओके रियल पार्ट में नो लॉ इज द लॉ। ओके नो लॉ मीन्स स्वयं शिष्ट। मैं मेरी जिम्मेदारी समझ के साथ व्यवहार करूंगा तो किसी को करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आपने व्यवहार बराबर नहीं किया ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बात ख्याल मारी किसी को समझ में नहीं आया या हम किसी प्रकार के ग्रुप से नहीं पढ़ेंगे चले जाएंगे किसी प्रकार के ग्रुपिज्म में नहीं पढ़ेंगे। आओ यार तो ग्रुपिज्म कब होगा क्या बुद्धि साहब चल रहे तभी। ओके बराबर ये सही का पक्ष है गलत वाले का पक्ष। अच्छा ये जहां तक सही गलत का पक्ष है कानून का पक्ष है कानून की मंडली है वहां भगवान नहीं होते है। आप उससे पर हो गए आप उससे बाहर निकल गए तब भगवान। ओके नेक्स्ट बुद्धि के साथ नहीं करना वही है जस्ट रोल योर प्ले योर रोल एज इन ए ड्रामा। हाँ देखिए यार ये समझ रहे हैं कि आई एम जस्ट टू प्ले माय रोल। ओके आज दीपक अंजे का फोन आया मेरे पास। आप आएंगे मैंने बोला जरूर आ पाऊंगा
क्यों देखिए मुझे तो आप मुझे मेरा रोल प्ले करने का है, सत्य वाला हो जाने का नहीं है मुझे। रोल प्ले करके क्या करने का है, पैसा पैसा चुकाने का है, तो मेरे लिए तो कितने उपकारी हो गए दीपक आनंद जी। ओके इस तरह से बात समझ लिया मैं। ओके मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं भाई मैं नहीं आऊंगा। अच्छा कुछ इमरजेंसी वाला काम है तो बोल सकते हैं, कुछ संजोग बन पाएंगे नहीं ऐसा बोल सकते, उसके दिक्कत नहीं उनको भी। आप काम आगे पीछे कर सकते तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना। तो दीपक जो दूसरा सूत्र रख दो। जहाँ ऐक्यता हो तो भगवान वहां हाजिर रहते हैं। वे कौन से ऐक्यता की, रिलेटिव व्यू पॉइंट से व्यक्ति और रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। रिलेटिव व्यू पॉइंट, रिलेटिव व्यू पॉइंट मीन्स विनाशी है, एवर चेंजिंग है, निरंतर परिवर्तनशील है। तो वो सारा व्यवहार का भाग है, लेकिन ये ख्याल में रखा कि ये व्यवहार का भाग है और ये निश्चय का भाग है। क्योंकि हाजिर रहा तो साथ में भगवान तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हाजिर करना पड़ेगा उनको। ये समझ में नहीं आया आपको, रिलेटिव रियल की हाजिर रहा कि ये रिलेटिव का भाग है, रिलेटिव का भाग कैसा है कि एवर चेंजिंग है, परिवर्तनशील है, संयोगों के आधार पर बदलता रहता है। तो जहां भगवान हाजिर का है तो जहां आपको कोई संयोग की जरूरत ही नहीं है। दूसरी तरह से ये संसार से आप मुक्त कब हो पाएंगे, जब सब जगह मैं ही हूं। ओके व्यवहार से विरोधी दिखता है उसी के भीतर भी मैं हूँ, व्यवहार से पता लगता है उसके भीतर भी मैं हूँ, सारे जीव मात्र के भीतर, बैक्टीरिया या वायरस या कोई, ये सभी के भीतर मैं ही हूँ, ये समझ तभी वो एकता होगी। तो मैं ही हूँ वो क्या है, तो ये भगवान, वो रिलेटिव स्वरूप की बात नहीं है। रिलेटिव स्वरूप कैसा, देखो पूर्व गलन स्वभाव का है, पूरा स्वभाव को जानो और साथ में अपने खुद के स्वभाव में भी रहते हैं। पूरा गलत स्वभाव ऐसा हम जान के चलेंगे तो उसके प्रति कोई राग द्वेष खड़ा होगा नहीं, कोई खड़ा होगा नहीं, नहीं नहीं। तो उधर भगवान हाजिर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि हाजिर करना पड़ेगा। भगवान रहेंगे हाँ, इतना आज इतना ही मतलब और कोई कुछ जय सच्चिदानंद नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू जय सच्चिदानंद, थैंक यू जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अनुबेन यू कैन स्टिल आस्क, वी हैव टाइम। ओके जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद मिनेश आनंद जी, जय सच्चिदानंद सर। जैसे ज्ञाता दृष्टा पद में जैसे जैसे बैठते हैं और जो टाइम बढ़ते जाता है तो अपनी जो सूक्ष्म भूलें भी दिखाई देती है एंड शूट ऑन साइड प्रतिक्रमण भी कर लेते हैं, कभी कभी बाद में दिखाई देता है तो बाद में कर लेते हैं, तो ये सूक्ष्मतर एंड सूक्ष्मतम भूलें क्या है, ये क्या हो सकती है? अंतस्करण के लेवल पे जो भी होती है वो सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होती है जी, बट एक्सप्लेन कीजिए इसको। अभी दूसरी तरह से बात बताओ जी, दादा भगवान ने क्या बताया कि ये संसार का इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट आदमी मेरे साथ 24 घंटा दिन रात रहेगा जी, तो भी हमारी एक भी गलती ढूंढ नहीं पाएगा।
फिर साधक बैलेंस करके क्या बताया, फिर भी हमें ये ख्याल में है कि भी हमारे भीतर के सारे दोष चले नहीं गए जी, हमारे केवल ज्ञान को बाधक है ऐसे सूक्ष्मता और सूक्ष्मतम दोष बाकी है अभी भी जी, बराबर है जी। उनको अपनी वो दशा के आधार पे वो सूक्ष्मता और सूक्ष्मतम दोष दिखते थे कि ये केवल ज्ञान के लिए बाधक है जी। अभी हम तो क्या है कि उनकी बात के ऊपर से हम खाली अंदाजा लगा सकते हैं जी। सही मायने में एग्जैक्टनेस क्या है सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम दोष की, वो तो हमें ख्याल में ही नहीं आती क्योंकि वहां तक हम पहुंचे ही नहीं है जी। ये तो क्या कि अभी पानी में पहला पैर ही रखा है जी। और मान सकते कि मैं तो बहुत अच्छी तरह से तैरना जानता हूँ। दिनेश आनंद जी, एक थोड़ा एक अच्छा सा आर्टिकल है, उसमें दो पन्ने हैं, हम पढ़ लेंगे, इसका बड़ा अच्छा समाधान दिया है दादा की खुद वाणी में। एक बेटा दिस वन मेरी इट्स वंडरफुल, ओ वाओ, खजाना मिल गया जैसे आज। बिकॉज़ अभी तक स्थूल की भूलें दिखाई देती है, मतलब ये सुनिए अनुबेन, मैं हिंदी करके बोलता हूँ, सीधा सीधा हिंदी बोलने का जी जी। वो सांप का खंबे का स्थूल टकराव का एग्जाम्पल दिया है जी। फिर सूक्ष्म सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम ऐसा ऐसे एग्जाम्पल दो कि सूक्ष्म अतिक्रमण कैसे होती है जी। तो दादाजी ने जवाब दिया कि आपके फादर के साथ जो होता है वो सारी सूक्ष्म अतिक्रमण है। अच्छा, क्या था सूक्ष्म मीन्स मानसिक वाणी से होती है, वो भी सूक्ष्म में जाती है दासी, नहीं वो स्थूल में ओके। जो सामने वाले को पता नहीं चले दिखाई नहीं दे वो सारी बात सूक्ष्म में जाती है, सूक्ष्म में जाती है। अच्छा, ये प्रश्न कर ये सूक्ष्म अतिक्रमण कैसे टाले जी दासी, पहले स्थूल बाद में सूक्ष्म फिर सूक्ष्मतम और अंत में सूक्ष्मतम टकराव टालने का है जी। तो सूक्ष्मतर अथरा टकराव किसको बोलते हैं? ये भी एग्जांपल परफेक्ट दिया, देखो आप किसी को मारते हैं पर ये भाई अपने ज्ञान में देखते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये व्यवस्थित मार खिला रहा है मार रहा है ये सब देखता है लेकिन मन से थोड़ा दोष देखता है जी। कभी ऐसा है ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो जो चलता है भीतर तो वो सूक्ष्मतर टकराव हो गया ओके। जो सामने वाला जो व्यवहार कर रहा है उसे हमने ऑडिट किया इमोशनल होके जी। दोबारा पूछा दादा दूसरी बार को सही ढंग से समझ में नहीं आया जी दासी, ये आप दूसरे लोगों के दोस्त देखते हैं वो सूक्ष्मता टकराव है जी, खुद के दोष नहीं देखते दूसरों के दोष दूसरों की गलतियां देखते हैं जी, सूक्ष्मता टकराव है जी। प्रश्न करता यानी दूसरों के दोष देखना वो सूक्ष्मता टकराव हो गया जी? ऐसा नहीं, हमने नक्की किया कि ये दूसरों में दोष है ही नहीं और फिर भी दोष दिखते हैं मतलब खुद में है, यानी तय किया है समझ भेजा पक्का हुआ है कि वो सामने वाले का दोष नहीं है फिर भी दिखाई देता है, फिर भी दिखाई देता है। ध्यान में सुना है लेकिन 100% समझ में आया नहीं है ओके समझा, समझ 100% हुई नहीं है तो ज्ञान दिखा था कि दोषों के उनका दोष नहीं है वो निमित्त निर्दोष है फिर भी भीतर में सूक्ष्मता टकराव हो जाता है, वैसा नहीं करना चाहिए था उसको, ये करना चाहिए था क्योंकि वो शुद्धात्मा है और दोष अलग है गलती अलग है। प्रश्न का तो ये मानसिक टकराव ही हो गया ना जी, यहां से ये सारे मानसिक सारा सूक्ष्म में जाता है। प्रश्न का ये दोनों में क्या अंतर है? दाव से ये तो मन के ऊपर की बात है। प्रश्न का देख ले यानी ये सूक्ष्म टकराव है उस समय सूक्ष्म टकराव भी होता है साथ में
दास है, ये हमें देखने का नहीं। सूक्ष्म अलग है और सूक्ष्मतर भी अलग है। सूक्ष्मतर यानी अंतिम बात। ओके, तो उसने कहा एक बार सत्संग में ये बात ऐसे कही थी, चंदूलाल के साथ तन्मयकार होना वो सूक्ष्मतम टकराव है। ओके, मैं मीनस हूँ ऐसा करके सारा मीनस होकर वो सूक्ष्मतम टकराव है। ओके, दास ही हाँ सूक्ष्मतम टकराव वो टालने का है। गलती से तन्मयकार हो गए, फिर पता चला ये गलती हो गई। ओके, प्रश्न करो तो ये टकराव टालने का उपाय केवल प्रतिक्रमण ही है कि और कुछ है? दास ही दूसरा कोई साधन नहीं है, हथियार नहीं है। ये हमारे जो नौ कलम है वही प्रतिक्रमण, उसके अलावा कोई साधन नहीं, हथियार नहीं है। ओके, ये दुनिया में प्रतिक्रमण के अलावा और कोई साधन नहीं है, यही सबसे उच्चतम साधन है। जी, क्यों? क्योंकि जगत सारा अतिक्रमण के आधार पर खड़ा है। जी, ये अतिक्रमण जो खत्म हो गया था, उसका प्रतिक्रमण हो गया तो उसका निकाल हो गया। जी, बराबर। बहुत अच्छी बात निकाली दीपक जी ने। थैंक यू सो मच, सो ब्यूटीफुल। मतलब गोल घूम के फिर खुद पे ही आते हैं ये तो, यू नो, खुद पे ही याद। ये यहाँ एक बहुत अच्छी बात ये बताइए, हमें जाना है कि सामने वाला निर्दोष है, सामने वाला शुद्धात्मा है, फिर भी हमारे जो है आपने बताया ना अंतस्करण में दिखाता है कि ये गलत है ये गलत है, तो वो सूक्ष्म तर में जाता है। और एकाग्र जहाँ होते हैं मुझे हो गया तो सूक्ष्म तम में जाता है। यस, बराबर। बट अभी तो मुझे अपनी ही गलतियां इतनी दिखती हैं, तो इसलिए कहा ना वो स्थूल स्थूल सूक्ष्म में अभी वो क्लियर करना बाकी है। मीने जान ने एक बड़ा अच्छा ये भी बताया है कि क्या बोला, स्थूल दोष जो है वो प्रतिक्रमण से जाते हैं और सूक्ष्म दोष ढंग से देखने से जाते हैं। उसका प्रतिक्रमण वो है और ये स्थूल दोष का हमें प्रतिक्रमण करना पड़ता है। इसलिए दादा मैंने बताया कि पहले स्थूल दोष से शुरुआत। जैसे जैसे स्थूल दोष खत्म हो गए तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? सूक्ष्म दोषों के ऊपर जाएगी। और सूक्ष्म दोषों पे दृष्टि जाएगी तो उधर प्रतिक्रमण शब्द के रूप में करना आवश्यक नहीं होता है। अच्छा, तो भाव प्रतिक्रमण हो जाता है, भाव प्रतिक्रमण। और जो सारा प्रतिक्रमण विधि में वो सारा आपके भाव में आ जाता है। ओके, समझा। तभी दिन में 500-700 प्रतिक्रमण कर पाएंगे। एक-एक प्रतिक्रमण करने जाएंगे तो 500 प्रतिक्रमण कब होगा? जी, खाना कब खाएंगे, सोएंगे कब, ये भी प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर जी, सारा व्यवहार कैसे कब करेंगे फिर? बराबर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जय, समय हुआ है, मीनाचार्य जी त्रिमंत्र बोला, अनुबेन फॉलो करिएगा प्लीज। जी जी, नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो वज्जायानम, नमो लोहे सव साहुनम, नमो लोहे सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पाव पनासनो, सव पाव पनासनो, मंगलानम च सवेसिम, मंगलानम च सवेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।